पहले मां बाप हजरत आदम। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे और मेहरबान खुदा ने इस बहुत बड़ी दुनिया को बनाया और इसमें चांद, सूरज और बहुत सारे सितारे पैदा किए। अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्ते भी खल्क जो हमेशा खुदा की इबादत में मशगूल रहते। इसी तरह बहुत अरसा गुजर गया, एक मर्तबा खुदा ने फरिश्तों को बताया कि वो इंसान नामी एक मखलूक को पैदा करना चाहता है जो इनसे बेहतर होगी। इसके बाद खुदा ने सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम को मिट्टी से पैदा करने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करें। ये हुक्म सुनकर सबके सब सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान जो कि अपने आप को हजरत आदम से बेहतर समझता था, उसने हसद और कीने की वजह से खुदा का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और हजरत आदम को सजदा नहीं किया। खुदा ने उससे सजदा न करने की वजह पूछी तो तकब्बुर करते हुए कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि तूने मुझे आग से और इसे मिट्टी से पैदा किया है। खुदा ने शैतान को उसकी नाफरमानी की सजा दी और उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में हंसी खुशी रहने लगे। जन्नत की तमाम नेमतें उनको हासिल थीं। खुदा ने हजरत आदम से कह दिया था कि तुम हमेशा इस पुरसुकून और आरामदेह जगह पे रह सकते हो, लेकिन एक दरख्त के बारे में बताया, इसके पास न जाना क्योंकि इसका फल तुम्हें जन्नत से दूर कर देगा। शैतान के दिल में तो हजरत आदम के खिलाफ दुश्मनी और कीना भरा हुआ ही था, लिहाजा उसने एक चाल चली और एक शफीक, मेहरबान और खैरख्वाह शख्स के रूप में हजरत आदम के पास आकर कहने लगा कि अगर कोई इस दरख्त के फल को खा ले तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत उसकी हो जाएगी। इस तरह शैतान ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को धोखा दिया और उन्होंने उस दरख्त से फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल को खाया, उन्हें यह एहसास होने लगा कि वो खुदा से दूर हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर भेज दिया। अब वो अपने इस अमल पर बहुत नादिम थे और खुदा से तौबा करते रहते थे। कुछ अरसे बाद खुदा ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन फिर जन्नत में रहने की इजाजत ना दी। इसके बाद हजरत आदम और बीबी हव्वा जमीन पर जिंदगी गुजारते रहे और उनकी नस्ल बढ़ने लगी। कई लड़के और लड़कियां उनके यहां पैदा हुईं, जिनमें सबसे बड़े हाबील और काबील थे। हाबील बहुत खुश अखलाक और नेक इंसान था। वो अपने बाबा हजरत आदम की बहुत इज्जत किया करता था, इसीलिए हजरत आदम ने उसे अपने खानदान की सरबराही के लिए मुंतखब किया हुआ था। काबील इस इंतखाब पर सख्त नाराज था और वो अपने भाई से हसद करने लगा था। उसने अपनी नाराजगी को छुपाया भी नहीं। हजरत आदम ने बहुत कोशिश की कि उसे समझाएं, लेकिन कोई कामयाबी न हुई। यहां तक कि एक रोज जनाब आदम ने उन्हें मशवरा दिया कि दोनों अल्लाह की राह में एक कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी खुदा ने कबूल कर ली वही बाप का जानशीन होगा। हाबील
मवेशियों की देखभाल किया करता था, इसलिए उसने कुर्बानी के लिए बेहतरीन ऊंट का इंतखाब किया, जबकि काबील खेती बाड़ी किया करता था। लेकिन उसने गंदुम की चंद सूखी बालियां उठाई और हजरत आदम की खिदमत में पेश कर दी, ताकि दोनों के तोहफे खुदा की बारगाह में पेश कर दें। हजरत आदम ने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ताला ने हाबील के खुलूस की वजह से उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। काबील को जब यह मालूम हुआ तो वो भड़क उठा और गुस्से में इन लोगों से दूर हो गया। शैतान, जो हजरत आदम से दुश्मनी पर तुला हुआ था, अब एक नया बहाना लेकर काबील के पास आया और उसे भाई को कत्ल कर देने का मशवरा दिया। काबील ने फौरन भाई को कत्ल करने का इरादा कर लिया, ताकि भाई की मौत के बाद वो खुद बाप का जानशीन बन सके। हाबील ने उसे बहुत नरमी से समझाया और उसे खुदा की तरफ दावत देते हुए कहा कि शैतान की बातों पर कान ना धरे, लेकिन काबील की तो अकल पर दुश्मनी और हसद के पर्दे पड़े हुए थे। उसने भाई की नसीहत को कबूल नहीं किया और बाप की निगाहों से छुपकर हाबील पर सोते में हमला करके उसे कत्ल कर दिया। काबील भाई को कत्ल करने के बाद वहशत ज़दा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब बाप को क्या जवाब दे। उसने भाई की लाश को उठाया और वहां से चल पड़ा। वो हैरान परेशान था कि भाई के जनाजे को कहां छुपाए। इसी दौरान उसने एक कौवे को देखा जिसके मुंह में अखरोट दबा हुआ था। कौवे ने अखरोट जमीन पर रखा और फिर अपनी चोंच से जमीन में गड़ा किया और अखरोट को जमीन में छुपा दिया। काबील ने कौवे की हरकत को गौर से देखा। काबील ने कौवे की हरकत को गौर से देखकर कुछ सोचा और फिर कौवे की तरह अपने भाई की लाश को जमीन में दफन कर दिया। जब हजरत आदम को हाबील के कत्ल का इल्म हुआ तो आप बहुत रोए और काबील को खुदा के दर्दनाक अजाब से